द्वार तुझी से ये घर और संसार तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार तेरे मंदिर में हम जीवन पाने आए दिल एक हमारा तूने दिया तू रहे पापों से हो तेरा ईमान तेरे सिवा और क्या चाहिए प्रभु हम तेरे द्वार तुझी से ये घर और संसार तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। अब सभी लोगों को जीशु जीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज शुक्रवार आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे बीच में से प्रभु के पास चले गए आत्माओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनकी अनंत शांति है दो इस पवित्र में सब बलिदान को चढ़ाते हैं। आप सभी की प्रार्थनाएं जो यहाँ पर चढ़ी गई हैं उन्हें भी हम याद करते हैं एवं जो निधि आराधना में हम लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं उन्हें भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी तमाम प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मृत्यु को वारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर हे क्रिस्त दया कर हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तू दीन दुखियों का क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों मित्रों तथा हितेशियों की सुधी ले जो इस लोक से चल बसे नित्य कुवारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे आनंद आनंद के निवास में पहुंच जाए ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते प्रभु का आत्मा आपके जिहद आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1-4, 19 अध्याय 24 पद संख्याएं 1-8 62-67 तक। इसहाक रबिका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। सारा 127 बरस की उम्र तक जीती रही और कनान के किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर
हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ प्रदेशी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए, जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। इब्राहिम ने कनान में मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत में एक गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रधान करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच में रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वह कोई ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लहया रोई नाम कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय वह नगेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आँख उठाकर ऊँटों को आते देखा। रिबिका ने भी आँखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊँट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी है। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढांक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया उसने क्या क्या किया है। इसहाक रिबिका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रिबिका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का बखान कौन कर सकता है? उसकी यथयोग्य स्तुति कौन कर सकता है? अनुवाक्य, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। धन्य है वह जो प्रभु के संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी याद कर। अनुवाक्य, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु आकर मेरी सहायता कर जिससे मैं तेरे कृपा पात्र को आनंद दे सकूं, तेरे भक्तों की सुख शांति से प्रफुल्लित हूं और तेरी प्रजा की महिमा का भागी बन जाऊं। अनुवाक्य, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
के साथ सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय नौ संज्ञाए नौ से 13 तक यीशु वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ में इसहाक एवं रबेका का शादी के बारे में हमने सुना। आज का पवित्र सुसमाचार में मत्ती का बुलावा हम सुनते हैं। आज हमारे विशेष मनन के लिए मैं आज का सुसमाचार पाठ ही लेना चाहूंगा। सुसमाचार में हम जानते हैं यहूदी एवं फरीसी लोग, यहूदिया के लोग टैक्स कलेक्टर्स से, नाकेदारों से बहुत नफरत करते थे। सन्मति के सुसमाचार में मत्ती के बुलावे के बारे में हम सुनते हैं। जकेबुस की कहानी हमने सुना है। एक प्रकार से यहूदी जनता जो है नाकेदारों से बहुत नफरत करते थे। मुख्य उसका दो कारण था। आप जानते हैं कि उस समय यहूदी जनता जो है शासन में थे और वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, और उस कारण उन्हें टैक्स भी देना होता था। तो ये एक मुख्य कारण है जिसके द्वारा यहूदियों ने नाकेदारों को एक प्रकार नफरत किया करते थे। इसमें नाकेदार कौन होते थे? अक्सर रोमी प्रशासन उस समय वहां के लोकल्स में यहूदियों में से ही किसी को चुन लेता था और टैक्स वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए नियुक्त करता था। तो इसलिए सारा नफरत जो है यह नाकेदारों पर तमाम यहूदियों का एक बोझ बनकर रहता था। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था, कोई उनके साथ में बैठना भी नहीं चाहता था। एक और कारण है कि ये जो नाकेदार टैक्स कलेक्टर्स होते थे वे ना सिर्फ कर वसूल करते थे, कर के बहुत गुना ज्यादा पैसा वसूल करते थे, क्योंकि कर वसूलने का अधिकार पूरा नाकेदारों के ऊपर ही था। वो किसी भी परिवार के लिए कितना टैक्स देना है वो तय कर सकते थे। सेकंड अपील का कोई चांस नहीं था। और यही माना गया है कि तमाम टैक्स कलेक्टर्स जितना कर होता था उनसे काफी गुना ज्यादा पैसे लोगों से वसूलते थे। तो ये दूसरा कारण है जिसके कारण यहूदी लोग टैक्स कलेक्टर्स से नफरत करते थे, एक प्रकार से उनसे दूरियां बना के रखते थे और वो कभी भी उन्हें अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते थे। ऐसे लोगों को प्रभु बुलाते हैं। मत्ती के घर में भी प्रभु जाते हैं और जकेबुस के घर में भी प्रभु जाते हैं। एक बात है कि प्रभु के बुलावा का कोई सीमा नहीं। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आप अवेलेबल है तो प्रभु का बुलावा आपको मिल सकता है, उनके कार्य में आपको लगाया जा सकता है। आपके पास कैसा है प्रभु को उससे कोई लेना देना नहीं।
ये एक बात है। दूसरी एक और प्रायोगिक बात मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। अक्सर क्रिश्चियनिटी इक्वालिटी के लिए माना जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन लगभग क्रिश्चियनिटी ऐसा एक धर्म है जहां पर इक्वालिटी की बात होती है और इक्वालिटी होती है। उसका भी जड़ हम प्रभु के इन अनुभवों से जोड़ सकते हैं। प्रभु किसी भी इंसान को अलग नहीं माना है, कोई भेदभाव नहीं करते, और शायद इस वजह से तमाम लोगों को इक्वल दर्जा दिया गया है। क्रिश्चियनिटी भी इक्वालिटी पर विश्वास करते हैं। कुछ अपवाद हमारे देश के कहीं कहीं पर हमें सुनने को जरूर मिलता है, लेकिन यह अपवाद है और शायद सही भी नहीं है। ईसाई धर्म जो है इक्वालिटी पर आधारित है। प्रभु और हम सभी उनके बच्चे बच्चियां, उसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। प्रभु का बुलावा ही देखिएगा, वो अनेक प्रकार के लोगों को बुलाते हैं। उनके पृष्ठभूमि बैकग्राउंड उनको कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। मैथ्यू किस प्रकार का व्यक्ति था, नाकेदार जग्गेवुस किस प्रकार का व्यक्ति था, वो अलग उन्हें नहीं रखते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ में भोजन करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। और इसी प्रकार प्रभु ने हम सबको ये बड़ा पाठ सिखाया है कि हम सब प्रभु की दृष्टि में एक समान हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में भी विशेष रूप से कास्ट सिस्टम, जो व्यक्तियों में छोटा दर्जा बड़ा दर्जा किसी किसी को यूं ही दे देते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी और प्रभु इसके ठीक विपरीत है। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, इन तमाम चीजों से बढ़कर समानता में विश्वास करना अति आवश्यक है। प्रभु यही चाहता है, प्रभु का वचन यही कहता है, जो भी इसके विरुद्ध है वह गलत है। आमीन। मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करे। हे ईश्वर, तेरी दया असीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर। हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितेशियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगा प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यहाँ उचित और न्याय संग हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गा एक स्वर से गाते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे से प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसी लो इसमें से खाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेवक सेविकाओं की सुधी ले जिनको तूने इस लोक से अपने हाथ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दया दृष्टि डाल के अंबियनन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम के वर्धन यूसुफ धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उससे इनकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। त्यौहार को जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए स्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं, धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु
मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचनों के लिए धन्यवाद, जहां पर आपने मती को बुलाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु जी आप यह संदेश देते हैं कि आपके सामने ना कोई ऊंच नीच या कोई समाज से निष्कासित लोग, सभी आप सबों आपके अपने हैं। समानता का सबसे महत्वपूर्ण पाठ आपने हम सबको सिखाया और आपको प्यार करने के लिए, आपके कार्य में लगा देने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। प्रभु धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से प्रभु हमारे बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, प्रभु तेरे वचनों के माधुर्य के साथ तमाम भेदभाव मिट जाए। जो लोग अपने को बड़ा मानते हैं, ये समझे कि प्रभु के राज्य में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो अपने आप को छोटा समझते हैं, वे ये समझे कि वह ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और ईश्वर के पुत्र पुत्रियां सब बराबर के हैं। प्रभु आपके वचनों के लिए धन्यवाद, ये शिक्षा के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों मित्रों हितेशियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं।
पीछे हटेंगे।